नमस्कार, मैं उदयशंकर, न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। राज्यसभा से भी दिल्ली सेवा बिल पास हो गया। हम आपको बता दें कि लोकसभा से इससे पहले ही पास हो गया था, लेकिन जब राज्यसभा में बिल पास हो रहा था तो कई ऐसी बातें देखने को मिली जो लोगों को हैरान करती हैं, जो सोचने पे मजबूर करती हैं और काफी दिलचस्प सियासी नजारे भी देखने को मिले। सबसे पहली बात हम आपको बता दें कि आपके सांसद हैं राघव चड्ढा, वो फंसते नजर आ रहे हैं क्योंकि उनके ऊपर फर्जीवाड़े का आरोप लगा है। उन्होंने बिल को सेलेक्ट कमेटी के पास भेजने की मांग की थी और उन्होंने जिन सांसदों का नाम इसके समर्थन में लिया था उन सांसदों ने वहीं पर कह दिया कि हम समर्थन में नहीं हैं, यानी सेलेक्ट कमेटी में भेजने के समर्थन में नहीं है। और उसके बाद गृहमंत्री अमित शाह ने बोलते हुए इस बात को लेकर उन्होंने स्पष्ट कहा कि जिस तरह से राघव चड्ढा ने फर्जीवाड़ा करने की कोशिश की है, विशेषाधिकार हनन का मामला उनके ऊपर चलाया जाना चाहिए, क्योंकि जिन सांसदों का नाम ये कहकर दिया गया था कि वे बिल को सेलेक्ट कमेटी यानी प्रवर समिति के पास भेजना चाहते हैं, उन्होंने साफ कह दिया कि उनकी सहमति नहीं ली गई है, उनके फर्जी सिग्नेचर किए गए हैं। ये हुई एक बात। दूसरी बात, हरिवंश जी को लेकर भी कई तरह की चर्चाएं पहले से चल रही थी। हरिवंश जी जेडीयू से राज्यसभा के सांसद हैं और हरिवंश जी के रिश्ते जेडीयू से बहुत बेहतर नहीं रहे हैं। कई बार वो बीजेपी के करीब दिखाई दिए हैं और इस वजह से इस बार जेडीयू के कई नेताओं कार्यकर्ताओं ने ये सवाल खड़ा किया था, तो जेडीयू ने किया यही था कि पार्टी व्हिप जारी कर दिया गया था। ऐसे हरिवंश जी उपसभापति भी हैं राज्यसभा के और उपसभापति को लेकर अमूमन व्हिप जारी नहीं होता है, लेकिन व्हिप जारी कर दिया गया था और हर किसी की नजरें इसी बात पर टिकी थी कि अब क्या होगा, क्योंकि जेडीयू की तरफ से व्हिप जारी कर दिया गया है। तो सुबह से ही राज्यसभा की कार्यवाही का संचालन सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कर रहे थे, लेकिन जैसे ही विधेयक पर वोटिंग का वक्त आया सभापति आसन से उठ गए। आसन पर जेडीयू के सांसद और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह बैठ गए। उन्होंने वोटिंग की सारी प्रक्रिया को संपन्न कराया। ये बात सामान्य नहीं थी, इसके पीछे बड़ा सियासी खेल था। दरअसल जेडीयू के सांसद और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं कि जब से नीतीश कुमार ने बिहार में आरजेडी का दामन थामा, वो अपनी पार्टी और नीतीश कुमार से एक डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं और बीजेपी से साठ गांठ का उनके ऊपर आरोप लगता रहा है। लेकिन अब सवाल यह उठता था कि दिल्ली सेवा विधेयक पर राज्यसभा में वोटिंग के दौरान सभापति आसन छोड़कर क्यों उठ गए और उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह को क्यों आसन पर बिठा दिया गया। आसन पर जो फेरबदल हुआ उस पर जेडीयू के सांसद हरिवंश नारायण सिंह को उस आसन के फेरबदल ने उन्हें संकट से बचा लिया। दरअसल राज्यसभा में इस बिल पर वोटिंग के लिए जेडीयू ने व्हिप जारी कर रखा था। व्हिप में जेडीयू ने अपने सांसदों से कहा था कि वो इस विधेयक के विरोध में वोट करें। ये हर सांसद के लिए जरूरी होता है। अगर किसी ने भी पार्टी व्हिप के खिलाफ वोट किया तो सदस्यता खत्म हो सकती है और पार्टी व्हिप के बाद वोटिंग का बहिष्कार करने से भी सदस्यता चली जाती है। ये गौर करने वाली बात है कि हरिवंश वोटिंग का बहिष्कार भी नहीं कर सकते थे, वो एक संकट में फंसे हुए थे। उन्हें वोटिंग के दौरान हर हाल में दिल्ली सेवा बिल के खिलाफ वोट करना था, लेकिन जैसे ही वो आसन पर बैठे ये खतरा खत्म हो गया, क्योंकि राज्यसभा या लोकसभा के नियमों के मुताबिक आसन पर बैठा सांसद किसी वोटिंग में शामिल नहीं होता। अगर सदन में वोटिंग के दौरान मामला टाई हो जाए, यानी पक्ष और विपक्ष दोनों में बराबर वोट पड़े, तो आसन पर बैठे व्यक्ति को वोटिंग करनी होती है इसी तरह से, और उनका वोट निर्णायक हो जाता है। राज्यसभा में भी यही हुआ। जैसे ही हरिवंश आसन पर बैठ गए वो पार्टी व्हिप से बाहर हो गए, उन्हें वोटिंग करने की नौबत ही नहीं पड़ी क्योंकि आसन पर बैठे व्यक्ति पर व्हिप लागू नहीं होता है। इसी रणनीति के तहत राज्यसभा में वोटिंग के दौरान हरिवंश नारायण सिंह आसन पर बिठा दिए गए। इससे दो फायदे हुए, एक वो पार्टी व्हिप से बच गए और दूसरा ये कि बीजेपी के खिलाफ पड़ने वाला एक वोट कम हो गया। और इसी रणनीति के तहत हरिवंश जी ने दिल्ली सेवा विधेयक पर वोटिंग करा लिया और जब वोटिंग के बाद नतीजे सामने आए तो बीजेपी ने इस बिल को 132 वोटों से पास कराया तो खिलाफ में 102 वोट पड़े। जाहिर सी बात है बिहार में इस मुद्दे को लेकर चर्चा होगी और जेडीयू के वो तमाम लोग जो चाह रहे होंगे कि हरिवंश जी की जो निकटता तथाकथित निकटता बीजेपी से दिखाई देती है उस पर चोट की जाए, उन्हें दूर किया जाए, तो एक बार फिर से नाकाम साबित हुए हैं। और जिस तरह से बीजेपी ने उन्हें मौका दिया एन वक्त पर, जो सभापति थे, जो उपराष्ट्रपति थे धनखड़ जी, उन्हें आसन से उठा दिया गया और हरिवंश जी को आसन पर बैठा दिया गया, तो जाहिर सी बात है जेडीयू के उन नेताओं को और खुद नीतीश कुमार को भी थोड़ा ये लगा होगा कि वो जो चाह रहे थे वो नहीं हो पाया और बीजेपी ने एक बार फिर से अचूक रणनीति का सहारा लिया
और बिल तो पास करा ही लिया, उसके साथ साथ हरिवंश जी को भी एक धर्म संकट से बचा लिया। तो कहा जा सकता है कि ये बीजेपी की एक बड़ी सफलता रही है। और इसी के साथ इस पूरे इस बिल के मामले को एनडीए वर्सेस इंडिया के मामले के तौर पर देखा जा रहा था, और कहा जा सकता है कि एनडीए ने पहली बार में इंडिया को मात दी है। अब सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाना है, उस पर चर्चा शुरू होनी है, और उस पर बीजेपी की तरफ से निशिकांत दुबे बोलेंगे, और वहीं दूसरी तरफ उस पर राहुल गांधी भी बोल सकते हैं। तो अविश्वास प्रस्ताव पर पहले तो चर्चा होगी, उसके बाद पीएम मोदी भी इस पर बोलेंगे। तो देखने वाली बात यह होगी कि आगे क्या होता है, क्योंकि पूरे देश की नजरें इसी पर टिकी होंगी कि अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के दौरान किसकी तरफ से क्या कुछ कहा जाता है। फिलहाल हमारी तरफ से इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को। नमस्कार।